आज कक्षा 12 विषय व्यवसाय अध्ययन, जिसके अंदर हम पार्ट 1 प्रबंध परिचय महत्व एवं प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रबंध का परिचय। दो या दो से अधिक का जुड़ना बंध कहलाता है। इस बंध के आगे प्र उपसर्ग लगने से प्रबंध बन जाता है। दो या दो से अधिक का जुड़ना बंध कहलाता है, और इस बंध शब्द के आगे प्र उपसर्ग लगने से प्रबंध शब्द की उत्पत्ति हुई है। प्रबंध शब्द किससे बना है? दो या दो से अधिक का जुड़ना बंध कहलाता है, और इस बंध के आगे प्र उपसर्ग लगने से प्रबंध बन जाता है। व्यक्ति, परिवार, समाज या संगठन अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रयोग करता है, किंतु इन संसाधनों का प्रयोग कुशलता से हो, इस हेतु प्रयुक्त ज्ञान, विज्ञान, कौशल को ही प्रबंध एवं प्रबंध अध्ययन माना गया है। कोई भी व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज, संगठन, सब अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए भौतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, और इन संसाधनों का प्रयोग कुशलतापूर्वक हो, इस हेतु प्रयुक्त ज्ञान विज्ञान को ही प्रबंध या प्रबंध अध्ययन माना गया है। प्रबंध का विकास। प्रबंध का विकास है वो मानव सभ्यता के विकास के साथ से जुड़ा हुआ है। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, तब से प्रबंध का विकास माना गया है, जिसका उदाहरण प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता है। प्राचीन विश्व की जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें उसका उदाहरण मिलता है कि जब से मानव सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ है, तब से ही प्रबंध का विकास प्रारंभ हो गया था। प्रबंध प्रक्रिया में प्रयुक्त प्रमुख संसाधन। कि प्रबंध प्रक्रिया में कौन कौन से संसाधन प्रयुक्त किए जाते हैं? सबसे पहला संसाधन है सामग्री, फिर है पूंजी, पद्धतियाँ, मानव, मशीन और बाजार। प्रबंध प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले संसाधनों में सामग्री। प्रबंध प्रक्रिया के लिए किसी भी लेन देन का होना आवश्यक है, और उस लेन देन के होने के लिए सामग्री, यानी कि ऐसी सामग्री जिसका अर्थ के रूप में कोई महत्व हो, और उसके बाद में पूंजी। जब भी सामग्री का लेन देन होगा तो उसके लिए पूंजी की आवश्यकता रहेगी, रोकड़ की आवश्यकता रहेगी। अगला संसाधन है पद्धतियाँ। पद्धतियाँ यानी कि ऐसी विधियाँ जिनके माध्यम से हम कम लागत में अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सके। फिर है मानव। मानव एक ऐसा संसाधन है इन सभी में जो कि सजीव संसाधन है, और बाकी सारे निर्जीव संसाधन है। इन निर्जीव संसाधनों को कार्य करने के लिए मानव की आवश्यकता होती है। फिर अगला मशीन, यानी कि सामग्री निर्माण के लिए मशीन की आवश्यकता रहती है। तो प्रबंध प्रक्रिया में प्रमुख संसाधन है मशीन, और फिर बाजार। जितनी भी सामग्री तैयार हो गई है पूंजी लगा करके विभिन्न विधियों से, उनको निश्चित स्थान पर क्रय विक्रय के लिए स्थान की आवश्यकता होती है, जिसे बाजार कहा गया है। प्रबंध प्रक्रिया में प्रयुक्त प्रमुख संसाधनों में है सामग्री, पूंजी, पद्धतियाँ, मानव, मशीन, बाजार। आज का गृह कार्य प्रश्न नंबर 1 प्रबंध का परिचय लिखिए। प्रश्न नंबर 2 प्रबंध का विकास कब से माना गया है। प्रश्न नंबर 3 प्रबंध प्रक्रिया में प्रयुक्त संसाधनों के नाम लिखिए।